में जहाँ लोग एक तरफ खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं जो लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि पूरा पूरा दिन उनको बैठे रहना पड़ता है या फिर रोड पे घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर में भी दिक्कतें आ रही है। हमने कई जगह देखा कि मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो भी दी जा रही है, लोगों को दवाइयाँ प्रदान की जा रही है। बट हमने यहाँ पे एक देखा है कि ये कुछ योग की या रिलैक्सिंग कोई टेक्निक है, अभी एग्जैक्टली क्या है हमने यहाँ पे देखा है, ये लोग कुछ करा रहे थे ट्रीटमेंट, तो इनसे जानेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम है एमपी सिंह समरा। एमपी सिंह समरा, तो जी एमपी सिंह समरा जी, ये जो आप करवा रहे हो ये क्या चीज है, योग है रिलैक्सिंग? ये बेसिकली अयंगर थेरापीटिक योग है। ओके, एक बीकेएस अयंगर जी, अयंगर जी जो थे बड़े योगाचार्य हुए, मैं पता है उनके द्वारा बनाया हुआ योग है। अच्छा अच्छा, अच्छा। इसमें हम क्या है, इनके माध्यम से बॉडी में जो मसल है उनमें रिलैक्सेशन लाई जाती है और उनमें एक्सटेंशन भी लाई जाती है। तो ये मुख्य तौर पर जैसे लोअर बैक पेन हो, स्लिप डिस्क, घुटनों का दर्द, शायदी का पेन में, जो दोनों जो व्यायाम है बहुत लाभकारी है। तो इसके अलावा ये जो पट्टा बांध रखा है, अगर इसलिए बांध रखा है भी इनको करने में सुविधा हो, सुविधा हो, अगर मैं ये ना बांधूंगा तो ये ऐसे रुक नहीं पाएंगे, ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए। कहीं ना कहीं अगर इसको बिना बांधे अगर योग करें तो कर सकते हैं, तो वो ज्यादा रिलैक्सिंग होगा? नहीं नहीं, वो ज्यादा ऐसा है ना, वो ही आदमी कर पाएगा जिसकी काफी लंबी प्रैक्टिस है, वरना वो कर नहीं पाएगा। हमारे पास तो पेशेंट आते हैं उन्होंने कभी प्रैक्टिस की नहीं होती, इसलिए हम ये पट्टे वगैरह की हेल्प लेते हैं। तो आपने ये विचार कैसे आया कि भाई किसान आंदोलन में ये सब करना चाहिए, और आप कैसे जुड़े? मैं खुद किसान हूँ। अच्छा जी, इसलिए मुझे माल में जब हम यहाँ आए तो हमने देखा बहुत सारे लोगों को, किसी को घुटनों में दिक्कत है, किसी को लोअर बैक की पेन है, हाँ जी, तो किसी को स्लिप डिस्क है, किसी को शैटी का पेन है, तो हमने कहा अभी मैंने ये सिस्टम सीखा हुआ है, क्यों ना किसान भाइयों की हेल्प की जाए। जी जी बिल्कुल, मैं देख रहा था जैसे लोग ना जिसको जो पता है, अगर जलेबी बनानी आती है तो वो जलेबी खिला रहे, जिनको खाना आता है वो खाना बना रहे, दवाइयों वाले, तो ऐसे ही आप भी जो है लोगों की सेवा का काम कर रहे हो एक तरीके से। बिल्कुल ठीक है, जो स्किल मेरे को आती है मैं अपने किसान भाइयों को उसे उस स्किल्स में शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो भी सीखें और जब घर जाएं और किसी को गांव में ये प्रॉब्लम हो तो उसके साथ ये स्किल शेयर करके उसको भी लाभ दे सकते हैं। तो सिर्फ एक ही टेक्निक है सर या कुछ और भी सीखा? 50 लगभग 100 टेक्निक। 100 टेक्निक है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टेक्निक। अच्छा अच्छा, परंतु ये जो दोनों पेशेंट हैं इनके घुटनों में दर्द है, इसलिए इनके लिए 5-6 टेक्निक है, जिसमें से ये दो अभी आप देख रहे हैं। तो इसका कोई कोर्स वोर्स भी होता है सर? पर्टिकुलर कोर्स है, ये पूरा कोर्स है, पुणे में इनका कॉलेज है, वहाँ बकायदा कोर्स करवाया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर ही आप करवा सकते हैं। फिर आप करवा, तो आपने वो किया हुआ है? मैंने वो। तो आप अपनी प्रैक्टिस मतलब अलग से क्लिनिक खुद भी? नहीं, मैं क्लिनिक तो नहीं चला रहा, मैं सिर्फ ऐसे पंजाब और हरियाणा में फ्री कैंप लगाता हूं। फ्री कैंप लगाते हो, तो उससे ही लोगों को जो है, ताकि लोगों को भाई लाभ हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ये देख रहे थे यहाँ पे किस तरीके से जो है अलग अलग स्किल्स जो लोगों ने सीख रखी है और उसका लाभ जो है वो लोगों को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। और जो अयंगर जी का नाम बताया था वो एक बहुत बड़े लीडिंग जो है वो, आपने ये फर्स्ट टाइम लिया ये ट्रीटमेंट? जी जी, कैसा लग रहा है रिलैक्सिंग? मेरे को पहले से ज्यादा रिलैक्स है। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम पहले से थी या किसान आंदोलन में आने के बाद हुई? नहीं, पहले से थी। पहले से जी, तो ज्यादा चलने की वजह से और उसकी वजह से हुई? जी जी। तो अब आपको लग रहा है कि भाई ये फायदेमंद है? जी। तो आगे सीख के फिर ये प्रैक्टिस करेंगे आप? हाँ, हम खुद करेंगे और लोगों को बताएंगे। आपको कैसा लग रहा है सर? ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक। मैं देख रहा था आप काफी टाइम पहले यहाँ पे वीडियो भी बना रहे थे इनकी। हाँ, बाद में पहली बार आ रहा तो प्रैक्टिस करने। हाँ, के लिए। तो देख रहे सकते हैं कि लोगों को जो है लाभ भी हो रहा है, हमने इनसे पूछा है, और ये काफी अच्छी टेक्निक है, डेफिनेटली ये जो है लॉन्ग स्केल बड़े स्केल पे जो है लोगों को सीखनी चाहिए और उसका जो है लाभ उठाना चाहिए।